सुप्रभातम बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में संख्या ज्ञानम का अभ्यास कार्य कराऊंगी जो आपकी किताब में लिया रहता है। इसके पहले आप लोगों ने बच्चों 1 से लेकर के 50 तक संस्कृत में संख्यावाची शब्द क्या होते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए, यहाँ पे दिया है बच्चों, पहला प्रश्न है दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। महिला पचंति, आगे खाली स्थान है, महिला यहाँ पे बहुवचन का शब्द है तो यहाँ पे बहुवचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि 1 से 4 तक संस्कृत में संख्यावाची शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलते हैं, फिर 5 से ऊपर जो है सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान चलते हैं। तो यहाँ पे महिला के लिए उचित शब्द क्या होगा, यहाँ पे दिया है तीसरा, त्रीणी, त्री और त्रय। तो महिला के लिए तीसरा, तीन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तीसरा। पहले इक्वा में लिखेंगे तीसरा, पहले का ख है, पहले का ख है फलम तत्र अस्ति। अब यहाँ पे फलम के लिए एक का प्रयोग किया जाता है तो एक उचित शब्द फल के लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। एक एक हिंदी में बोलते हैं, एक का पुल्लिंग के लिए, एक का स्त्रीलिंग के लिए और एक का नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फल क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए फल के आगे हम क्या लिखेंगे, एकम। एकम फलम अस्ति, नपुंसक लिंग के लिए एकम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बालका लिखन्ति, अब यहाँ पे बालका है, बहुत से बच्चे हैं तो चत्वारा, चत्वारी, चतस्र, चत्वारा। यहाँ पे 4 के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, चत्वारा। 2 नंबर पे हो जाएगा चत्वारा। इसके बाद 9 नंबर है कन्ने पट्ट, कन्ने द्विवचन का शब्द है इसलिए 2 संख्यावाची शब्द लिखेंगे। स्त्रीलिंग में 2 के लिए द्वे का प्रयोग किया जाता है, द्वे, द्वे कन्ने पट्ट, 2 लड़कियां पढ़ती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है संस्कृत के संख्यावाची शब्दों से रिक्त स्थान को पूरा करिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरे की क में आगे खाली स्थान है, फिर दिया है 5 है अंगुल्य, इसका संस्कृत शब्द क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे पंच उंगली है। 5 के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है, 5 अर्थात 5 को संस्कृत में पंच बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंच उंगली है। इसके बाद ख नंबर पे है आगे खाली स्थान दिया है, इसके बाद लिखा है 4 वेदा, तो 4 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, चत्वारा। 4 का संस्कृत शब्द हो जाएगा चत्वारा। इसके बाद ग में है खाली स्थान है, फिर लिखा है 6 कूड़ा, क्या बोलते हैं,
सटपोड़ा, छह को सट बोलते हैं संस्कृत में। घ नंबर में है, खाली स्थान है, नाई है, रत्नान, नव रत्न, नव को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नव, नव रत्नान, नव रत्न। इसके बाद है अंग नंबर में देखिए, खाली स्थान है और यहाँ पे लिखा है वन, सूर्य, तो सूर्य के लिए एक का प्रयोग करेंगे तो एक, एक सूर्य, एक सूर्य। पुलिंग शब्द का प्रयोग किए हैं सूर्य के लिए। इसी तरह से चंद्र है, च नंबर पे खाली स्थान है, फिर वन लिखा है, चंद्र, तो चंद्र भी क्या है, पुलिंग शब्द है, तो एक का प्रयोग करेंगे, एक चंद्र, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक सूर्य। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीन, नीचे दिए गए चित्रों को गिनकर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे एक चित्र दिया है, उसको गिनकर के आपको संख्यावाची शब्द लिखना है संस्कृत में। यहाँ पे क नंबर पे देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फल है, तो यहाँ पे आगे लिखा है सट फलान। इसी तरह से ख नंबर में है, दो पक्षी है, तो लिखेंगे द्वे खगार, ख नंबर पे लिखेंगे द्वे खगार। तीसरे का ख, तीसरे के ख में लिखेंगे द्वे खगार, द्वे दो पक्षी, द्वे खगार। ख क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे द्वे का प्रयोग किया गया है। नंबर पे देखिए, चित्र को काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हाथी हैं, सात, तो यहाँ पे लिखेंगे सप्त गजारा, सप्त गजारा। इसके बाद घ नंबर पे है, यहाँ पे गेंद है, गेंद को काउंट करिए, देखिए कितने गेंद हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन गेंद हैं, दस, तो लिखेंगे दस कंदुकान, दस कंदुकान। इसके बाद है अंग नंबर पे लिखिए, यहाँ पे महिला है, कितनी महिलाएं हैं, वन टू थ्री फोर, चार महिलाएं हैं, तो इसका संस्कृत में शब्द क्या हो जाएगा, चतस्र महिला, चतस्र, चार को संस्कृत में चतस्र बोलते हैं स्त्री शब्द में, चतस्र महिला, चार महिलाएं। चार नंबर पे देखिए, यहाँ पे चक्र है, कितने चक्र है काउंट करिए, वन टू थ्री फोर, चक्र क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए चार संस्कृत शब्द हो जाएगा चत्वारि चक्राणि, चत्वारि चक्राणि। चतुर्थ चक्राणि, चार चक्र। बच्चों मैं जितना अभ्यास कर
किताब में भर लेंगे और अभ्यास कार्य मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा।